रविवार को राजकीय संग्रहालय झांसी में हेल्पिंग हैंड सेवा संस्थान एवं वीरांगना महिला संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में संस्था की 151 महिला लीडरों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर विधायक रवि शर्मा व जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अलका सेठी, अनुपमा प्रकाश, सचिन माहौर, माला मल्होत्रा, राजेश तिवारी, संजय पटवारी, संतराम पेंटर एवं अर्चना गुप्ता, देवप्रिया उक्सा आदि लोग मौजूद रहे। संस्था अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था विगत 20 वर्षों से जनहित में वृक्षारोपण अभियान, शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान, माहवारी जागरूकता अभियान जैसे कार्य कर रही है। संस्था हर वर्ष महिला सम्मान समारोह भी करती है, जिसमें कार्य की वरीयता के आधार पर महिलाओं का चयन करके उन्हें अतिथियों द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष प्रथम पुरस्कार विजेता शिवाजी नगर की रहने वाली प्रिया तरुण सक्सेना का चयन किया गया था, जिन्हें संस्था के द्वारा प्रथम पुरस्कार के रूप में एक्टिवा स्कूटी प्रदान की गई है। देखिए, हम लोग जो है प्रतिवर्ष एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं, पूरे मंडल से 151 महिला लीडरों को बुलाते हैं और उनका हम अतिथियों से सम्मान कराते हैं। एक वर्ष में हमारी महिलाओं ने हमारी संस्था के साथ मिलकर जितने भी हम अभियान चलाते हैं, या वो शिक्षा जागरूक अभियान हो, या पौधारोपण के लिए अभियान हो, या महामारी जागरूकता अभियान हो, इन सारे अभियानों में जो महिलाएं बढ़ चढ़कर हमारे साथ सहयोग करती हैं, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारी टीम के साथ काम करती हैं, उनके मोटिवेशन के लिए हम लोग एक सम्मान रखते हैं और प्रतिवर्ष इस सम्मान में प्रथम पुरस्कार के रूप में हम एक एक्टिवा गाड़ी उस महिला को दी जाती है जो कार्य की वरीयता के आधार पर जिसने साल भर में बहुत अच्छा कार्य किया हो। झांसी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट।